तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू। में जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज जो है हमारा पार्ट नंबर 3 है और सातवां सवाल करने वाले हैं। बोला गया है कि एक इंजन की सामर्थ्य कितनी है, 20 किलोवाट है। इसके द्वारा 100 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा। सारी चीज़ें लिखोगे, ठीक है ना, सारी चीज़ें लिखो। क्या है इंजन की सामर्थ्य दिया है, लिखोगे इंजन की सामर्थ्य, इंजन की सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होती है, पी कितनी है, 20 किलोवाट। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 1000, ठीक है। तो यहाँ से जो पी आ जाएगी 20 और 3 0 हो रहे हैं वाट, सही है। और कितना द्रव्यमान है, द्रव्यमान दे रखा है आपको, द्रव्यमान क्या है, यम है आपका 100 kg। इसके बाद 50 मीटर ऊंचाई क्या दे रखा है, ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग क्या मानते हैं, यच। कितनी दे रखी है आपको, 50 मीटर, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, समय, यानी आपको जी भी दे रखा है। कितना जी दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है, समय, समय क्या होता है आपका, टी, ये आपसे पूछा। देखो इस सवाल को करने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। सवाल बढ़िया भी होते हैं और ये अच्छे भी लगते हैं हम लोगों को करने में। बस क्या होना चाहिए, आपको सूत्र पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्या सर, शक्ति का, शक्ति या सामर्थ्य, हमने यही बताया था। शक्ति या सामर्थ्य एक ही चीज़ होती है, बताइए सर क्या पढ़ा था हमने। पढ़ा था वो होता है पी बराबर W/T, ठीक है। तो यहाँ से जो पी बराबर हो जाएगा W/T। अब एक बात आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, जब कोई चीज़ जो है आप नीचे से ऊपर ले जाते हो तो यही जो कार्य होता है वो आपका स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यम और जी H/T, इस तरह से होता है। W बराबर क्या हो जाता है, MgH। यही जो कार्य है स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है जब कोई आप नीचे से कोई चीज़ ऊंचाई पर ले जाते हो, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, P बराबर हो गया आपका MgH/T। सारे मान रखो, P का मान रखो, P कितना है आपका, ये है 20,000। तो यहाँ पे रखो आप लोग 20,000, 4 0 हैं बराबर। यम आपने अभी देखा है 100, ठीक है ना, और जी अभी आपको बताया 10, और ऊंचाई अभी आपने देखी है 50, और बट्टे समय आपको क्या करना था, निकालना था, है कि नहीं। तो बस आप 1 0 से 1 0 काट लो, 2 0 से 2 0 काट लो, फिर 1 0 से और 1 0, फिर 2 0 से और 1 0 काट दो। तो यहाँ से जो टी आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 बचा और यहाँ क्या बचा, 5/T, तिरछी गुणा करो। अब तिरछी गुणा करोगे तो यहाँ से जो टी बराबर आएगा कितना, 2T बराबर आएगा 5। तो टी बराबर आ जाएगा आपका 5/2, 2 × 2 = 4, 1 × 2 = 10। टी बराबर आ जाएगा 2.5 सेकेंड, ठीक है। इतना कठिन सवाल हमने 1 मिनट में कर दिया, ठीक है। बस आपको तरीका आना चाहिए, हर एक सवाल जो है आप आसानी से कर पाओगे अगर आपको जो है सारी चीज़ें पता है और सभी सूत्र जो हैं आपको पता है, तभी आप क्या कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आगे देखो कौन सा सवाल है, सवाल नंबर हमारा 8 है, ठीक है ना। तो 8वां सवाल यहाँ पे करने वाले हैं। बोला गया है कि 5 किलोग्राम भार के एक पत्थर के टुकड़े को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण आपको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको जो है क्या कर रखा है, दे रखा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं क्या दे रखा है 8वें सवाल में, द्रव्यमान, द्रव्यमान जो यम दे रखा है आपको क्या, 5 किलोग्राम, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप अपनी कॉपी में कर लेना, PDF चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा। द्रव्यमान यम बराबर 5 किलोग्राम, ठीक है, ये दे रखा। और क्या दे रखी थी आपकी, ऊंचाई,
ऊंचाई क्या होती है आपकी h, वो दे रखी थी आपकी 10 मीटर, है कि नहीं। और जो आपको g दे रखा है वो दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है ऊंचाई, ठीक है ना। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है गतिज ऊर्जा, क्या पूछिए, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए आपसे पूछिए गतिज ऊर्जा क्या होती है के, ये आपसे पूछिए, ठीक है। गतिज ऊर्जा का क्या सब फार्मूला होता है सो दोस्तों, तो वो होता है के बराबर 1/2 m b²। हमारे पास क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी हम निकाल सकते हैं कौन सी, गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से क्या निकालेंगे, बी। तो यहाँ लिखोगे गति के तृतीय समीकरण से बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। क्योंकि जो टुकड़ा है जो ऊंचाई से गिराया जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण इसके अधीन ही कार्य कर रहा होगा, तो जी का मान प्लस में लेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर यू क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 2g 10, और एच एच भी आपके 10, एच एच भी 10 है क्या, 1 मिनट, और 2g h, जी भी 10 है, सारी चीज़ें कितनी हैं, 10 10 की हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जो है बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 और 2 0, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मान लीजिए इतना, ये यहाँ से लगाओ गतिज ऊर्जा, ज़्यादा हम हल नहीं करेंगे, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, के बराबर 1/2 m b² तो के बराबर 1/2 m कितना है, 5, और 20² कितना है आपका, 200, तो एक 200 काटोगे यहाँ 100 आ जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा आपका 500, ठीक है, जूल, बस ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। के बराबर कितना आ गया आपका, 500 जूल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे 7-8 सवाल दोनों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, इससे आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है। थैंक यू।